पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी सर्जरी शुरू होते ही वो खबरें, वो कहानियां जिनका तذکرہ T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना रहा था तो मैंने आपके साथ किया था, लेकिन उस वक्त कुछ क्रिकेट शायकीन बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए थे और नाराज होकर कमेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने जनाब अपनी मोहब्बत जो है वो गालियों के थ्रू शो करते हुए ये भी कहा था कि आप वक्त से पहले जो नेगेटिविटी है वो फैला रहे हैं और बाबर आजम की क्यादत में पाकिस्तान टीम एक होकर खेलेगी, शाहीन अफरीदी फुली बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे, मोहम्मद रिजवान जो हैं वो जनाब बाबर आजम को इस दफा T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बनवाएंगे, सो आप अपनी जो बकवास है वो बंद करें। लेकिन अब वर्ल्ड कप के बाद जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर बड़ी सर्जरी शुरू क्यों नहीं कर रहा, और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल बड़ी सर्जरी करना शुरू की और जो खबरें सामने आई तो उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया है उन्हीं लोगों ने जो ये कह रहे थे कि बड़ी सर्जरी क्यों नहीं शुरू की जा रही, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो शाहीन अफरीदी को कुर्बानी का बकरा बना रहा है और बाबर आजम को सेव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जनाब एक और खतरनाक खबर सामने आई है जिसमें बाबर आजम के हवाले से भी जनाब ये कहा गया है कि इनको कप्तान मजीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नहीं रहना चाहिए। सो बाबर आजम की जगह पर कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का कप्तान बन सकता है, इसके ऊपर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा शाहीन अफरीदी ने गाली किसको दी थी, इसके हवाले से जो खबरें हैं वो भी सामने आई हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। देन मोहम्मद हफीज जो जनाब 15 नवंबर 2023 को पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बने थे, फिर इनकी डायरेक्टरी में पाकिस्तान टीम जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली, तीनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त मिली, फिर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली और पहले 4 मैचेस के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी। तो इनके हवाले से भी इंकशाफ हुआ है कि वहाब रियाज के साथ जो इनका गठजोड़ था वो कहां पर टूटा था और किस चीज को लेकर वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज के दरमियान दूरियां आई थी और मोहम्मद हफीज ने जो मलबा है वो कैसे जनाब वहाब रियाज के ऊपर डाला था, इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब शाहीन अफरीदी साहब जो कल से खबरों की जीनत हैं और उनका जनाब जो ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है लेकिन कल से वो भी खामोश है, लेकिन खामोश रहते हुए भी शाहीन अफरीदी ने एक कार्रवाई डाल दी है और ये कार्रवाई रिजेंबल करती है जब शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान टीम की कप्तानी से हटाया जा रहा था मार्च के महीने में, तो उस वक्त भी उन्होंने एक काम किया था और उन्होंने जो साया कॉरपोरेशन जो शाहीन अफरीदी को मैनेज करती है तो उनको अपनी जो बायो है वहां से हटा दिया था। अब अगेन शाहीन अफरीदी जो हैं उन्होंने साया कॉरपोरेशन को अपनी बायो से हटा दिया है। अब माजी की तरह जनाब ये 2-4 दिनों के लिए हटाते हैं या जनाब मुस्तकिल तौर पर जो साया कॉरपोरेशन है उससे दूरी इख्तियार करते हैं, ये तो आने वाले जनाब जो दिन हैं वो इंडिकेट कर देंगे, लेकिन राइट नाउ शाहीन अफरीदी जो हैं उन्होंने खामोशी से अपना जो एहतजाज है वो जनाब साया कॉरपोरेशन के खिलाफ रिकॉर्ड करवा दिया है कि एक जानी पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त शाहीन अफरीदी को एज अ विलन के तौर पर पेश कर रहा है, तो वहीं पर साया कॉरपोरेशन जो है वो शाहीन अफरीदी के लिए कुछ भी नहीं कर रही और उनको जनाब जो सोशल मीडिया के ऊपर फेवर मिलनी चाहिए ये थी वो भी नहीं मिल रही, तो यही जनाब वो बुनियादी चीज है जिसकी वजह से शाहीन अफरीदी ने साया कॉरपोरेशन को जनाब रूठने वाली जो सहेली होती है उसकी तरह अपने आप से अलग कर लिया है। अब आते हैं जनाब जो हमारी मेन खबरें थी, इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो शाहीन अफरीदी के हवाले से कल ये कहा गया कि उन्होंने कोचेस को गालियां दी थी, मिसबिहेव किया था और कोचेस जो हैं वो बड़े परेशान हुए, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा था कि किस कोच के साथ उनकी तलख कलामी हुई थी। तो अब जनाब जियो ने ये खबर रिपोर्ट की है और खबर फाइल करने वाले हैं जनाब फैज़ान लखानी साहब, बड़े सीनियर और बड़े जनाब क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। इन्होंने कहा है और इन्होंने जो खबर फाइल की है
इनके मुताबिक दौरा है इंग्लैंड में, जब पाकिस्तान टीम हेडिंगले के अंदर प्रैक्टिस कर रही थी तो वहां प्रैक्टिस सेशन के दौरान शाहीन अफरीदी बार बार नो बॉल कर रहे थे, तो जिसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने इनकी नो बॉल्स की जो निशानदेही है वो की, और बार बार निशानदेही करने पर शाहीन अफरीदी जो हैं उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को कहा था कि मुझे अभी प्रैक्टिस करने दें और बीच में ना बोलें। इस मामले पर फिर दोनों के दरमियान जो बहस है वो देखने को मिली। बाद में जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने जनाब शाहीन अफरीदी जो हैं उनकी सरजनश की, और शाहीन अफरीदी जो हैं उन्होंने फैजान लखानी साहब की खबर के मुताबिक बाद में जनाब जो अपना रवैया था उस पर मोहम्मद यूसुफ जो कोच थे उनसे माफ़ी मांगी थी और मैनेजमेंट ने इस मामले को रफा दफा कर दिया था। लेकिन दूसरी जानिब अब यह भी बताया जा रहा है कि जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान भी जो शाहीन अफरीदी हैं वो टीम मैनेजमेंट और ख़ास तौर पर जो कोचिज थे उनके साथ जनाब उनका रवैया जो है वो बेहतर नहीं था। सो जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो उन्होंने किया है उसकी वजह से इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इनके खिलाफ हो चुका है। इसके बाद जनाब एक आर्टिकल लिखा गया है एक्सप्रेस के ऊपर, और ये आर्टिकल लिखने वाले हैं सलीम खालिक साहब, अगेन वन ऑफ द क्रेडिबल जर्नलिस्ट इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। तो इन्होंने जनाब जो टाइटल दिया है उसमें कहते हैं मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। और पूरे आर्टिकल को अगर स्टडी किया जाए तो शुरू करते हैं वहाब रियाज से, और वहाब रियाज के साथ जो कुछ किया गया है इसकी इन्होंने जनाब सारी रूदात जो है वो सुनाई है। और यहीं पर वो बताते हैं कि वहाब रियाज को जो ऊंचाई मिली थी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद वो बड़ी जल्दी मिल गई। बड़े दिनों के अंदर जो तरक्की के जीने हैं ना वो वहाब रियाज चढ़ते गए, और इसमें मोहम्मद हफीज़ जो हैं उन्होंने भी की रोल प्ले किया था, क्योंकि जब ज़कात अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी बने थे तो उस वक्त वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया गया था और चीफ सेलेक्टर बनाने में मोहम्मद हफीज़ का भी हाथ था। लेकिन फिर जनाब जब सलमान भट्ट को सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पर या एडवाइज़र के तौर पर ऐड ऑन किया गया तो इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर जनाब बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी कि आप एक फिक्सर जो है जिसका माजी दागदार है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्यों मुंसलिक कर रहे हैं। और यही मेन रीज़न थी जो वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ के दरमियान जो दूरी पैदा हुई थी उसकी वजह बनी। सो मोहम्मद हफीज़ लेटर ऑन जब जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे काकड़ साहब उनके साथ एक मीटिंग में थे वर्चुअली, तो वहां पर जब सलमान भट्ट का जो मामला है वो उठा तो वहां पर मोहम्मद हफीज़ जो हैं उन्होंने जो सारा मलबा था वो वहाब रियाज के ऊपर डाल दिया था कि सलमान भट्ट को वहाब रियाज जो हैं वो लेकर आए थे। लेकिन फिर आगे चलकर इन्होंने बताया कि जनाब वहाब रियाज जो हैं उनके साथ भी अब ज्यादती की गई है, उनको भी कुर्बानी का जो बकरा है वो बनाया गया है। अगर इसको आप रीड आउट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बड़ी सर्जरी शुरू की गई है वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक से ये कहीं ना कहीं जनाब इन दोनों को बलि का बकरा बनाकर शुरू की गई है। क्योंकि अगर सिलेक्शन कमेटी को देखा जाए तो वहाँ पर मोहम्मद यूसुफ भी थे, वहाँ पर असद शफीक भी थे, वहाँ पर वहाब रियाज भी थे और जनाब अब्दुल रज़ाक भी थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज जो हैं उनको कमेटी से साइडलाइन कर दें, उनको घर भेज दें, लेकिन जो मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक हैं उनको जनाब अपने दिलों के साथ लगा लें। और फिर जनाब कुछ लोग जो हैं उनके मुताबिक मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को जो पाकिस्तान टीम के साथ अभी रखा गया है और सिलेक्शन कमेटी का जो मेंबर बनाया गया है उसके पीछे यह है कि आइंदा जब कुर्बानी किसी की देनी पड़ेगी तो इन दोनों की कुर्बानी जो है वो पेश की जाएगी। इसके बाद जनाब जो खुफिया खत है उसकी रूदाद यह है कि सरफराज नवाज साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं और अभी पिछले दिनों जब चेयरमैन पीसीबी ने एक्स क्रिकेटर्स के साथ और करंट क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात की थी तो उस मुलाकात के अंदर भी ये मौजूद थे, और इन्होंने अब ये बताया है कि माजी में वो वहाब रियाज के हवाले से जो खत है वो चेयरमैन पीसीबी को लिखते रहे हैं लेकिन उनके जो खतूत थे उनको नज़रअंदाज किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने उन खतूत के अंदर लिखा था कि वहाब रियाज को जो पोस्ट दी जा रही है वो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही साथ अब उन्होंने ये भी सजेशन पुट अप किया है
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाबर आजम को वाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी से हटाकर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की वाइट बॉल फॉर्मेट की जो कप्तानी है वो दे दे और शान मसूद के साथ रेड बॉल फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंटिन्यू करे, और अगर ये काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर लेगा तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा अब कई जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये भी राय है कि जनाब बाबर आजम को इस वक्त के अंदर आकर मीडिया के ऊपर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी पूरे का पूरा पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ जनाब एक्टिव है, शाहीन शाह अफरीदी को ट्रोल भी किया जा रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को डिफेंड भी किया जा रहा है, लेकिन बाबर आजम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सो जनाब जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक बाबर आजम को सामने आना चाहिए और सामने आकर जो पाकिस्तान को शिकस्तें हुई थी उनकी रीजंस भी सामने रखनी चाहिए, और इसके अलावा बाबर आजम चूंकि एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर फेल हुए थे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बाबर आजम एक्सेप्ट करें और बाबर आजम खुद ही जो कप्तानी है उसको छोड़ दें। सो आप बाबर आजम सामने आते हैं या नहीं आते ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त जनाब जो खेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रहा है वो अपने दिलचस्प मरले के अंदर शामिल हो चुका है, और आइंदा जो जनाब घंटे हैं उनके अंदर हमें मजीद जो बड़ी सर्जरी है उसके जो प्रोसीजर्स हैं उसमें किसको साइडलाइन किया जा रहा है, किसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, ये भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।